कंप्लीटिंग स्केल मेथड से करना है। अब इसमें देखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट एन है, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, तो यहाँ पर एन है। उसी तरह तीन स्टेप है, एल एक्स स्केयर प्लस एम एक्स, और सबसे पहले हम कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे प्लस है तो इस तरफ आगे माइनस हो गया। दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है कि हमने डिवाइड करवाना होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट अगर वन पड़ा हुआ है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर हमने यहाँ पर वन लेके आना है, इसका मतलब एल पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर एल पे डिवाइड करवा देते हैं, माइनस एन आ गया और यहाँ पे एल पे डिवाइड करवा दो ताकि यहाँ पर वन आ जाए, ये कट हो गई, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल, साथ आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया माइनस एन ओवर एल, ठीक है। अब क्या करना है, उसी तरह दो स्टेप हो गए हमारा, पहला कॉन्स्टेंट उस तरफ लेके जाना था, दूसरा कि हमने यहाँ पे वन चाहिए होना था तो वन हमने निकाल लिया, नहीं था है, तो हमने कर लिया। तीसरा स्टेप करना है कि हमने x का कोफिशिएंट लेना होता है और उसको मल्टीप्लाई करवा देना होता है 1 ओवर 2 से, m ओवर l है तो मल्टीप्लाई करवा दें 1 ओवर 2 से, कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे से, तो ये बनता है m ओवर 2l, तो आप कर लेंगे यहाँ पर भी इस तरफ भी स्केयर के साथ ऐड कर लेंगे तो दूसरी तरफ भी, और साथ x यहाँ पे भी कर लेंगे m ओवर 2l का होल स्केयर, और दूसरी तरफ भी करवा देते हैं माइनस n ओवर एल प्लस एम ओवर टू एल का होल स्केयर, ठीक है। इस तरफ फिर क्या आ जाएगा, पहले का स्केयर प्लस टू इंटू फर्स्ट, फर्स्ट क्या है हमारे पास एक्स, एक्स लिखते हैं, सेकंड क्या है एम ओवर टू एल, एम ओवर टू एल, इसको सॉल्व करने से आपका आंसर फिर यही आना चाहिए, और यहाँ पर आ गया एम ओवर टू एल का होल स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्केयर लेंगे तो एम स्केयर, और आपने इन दोनों का स्केयर लेना है, टू का स्केयर लेंगे तो फोर आ गया और एल का स्केयर लेंगे तो एल स्केयर आ गया। यहाँ पर क्या बन गया एक्स ए प्लस बी का होल स्केयर, ये ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर है, तो आपने ए प्लस बी का होल स्केयर कर देना है, ओवर टू एल का आ गया यहाँ पर होल स्केयर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले तो क्या आता है फोर एल स्केयर। तो आप उसी तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने लिख देना है फोर एल एल स्केयर को ऊपर रखना है और नीचे यहाँ पर एल एल रखते हैं, एल एक कट है तो यहाँ पे आ गया फोर एल, जो भी जो आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा फोर एल एन, ठीक है। अब यहाँ पर फोर एल स्केयर अगर पड़ा हो तो नीचे, अब यहाँ पर क्या फोर एल स्केयर तो ये कटिंग काट के तो वन ही आ जाएगा, तो वन को इसके साथ जरूरत देंगे तो फिर भी यही आएगा एम स्केयर, ठीक है। और आगे हम करते हैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे आ गया तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेना है आपने, ये देखें एक्स प्लस क्या है यहाँ पर एम ओवर टू एल का होल स्केयर, और यहाँ पर क्या आ गया था तीर से लिख ले एम स्केयर को, पहले लिख ले एम स्केयर माइनस फोर एल एन ओवर फोर एल स्केयर, फोर एल स्केयर इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया प्लस माइनस, और यहाँ पर भी हमने स्केयर रूट ले लिया, ये इससे कट हो गया, यहाँ पे आ गया एक्स प्लस एम ओवर टू एल, और इस तरफ आ गया प्लस माइनस, ऊपर वाले का स्केयर रूट नहीं होता इस वजह से पूरा पूरा नहीं आता, तो आपने क्या करना है इसी तरह लिख देना स्केयर रूट के साथ एम स्केयर माइनस फोर एल एन अंडर रूट, और नीचे वाले का हमारे पास आ रहा है तो वो लिख लेते हैं टू एल, ठीक है। ये एक्स इधर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया, माइनस एम ओवर टू एल और प्लस माइनस एम स्केयर माइनस फोर एल एन स्केयर रूट ऊपर आ गया और यहाँ पे आ गया 2L। अच्छा अब इन दो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2L एलसीएम आ गया, और सेम है ये कितनी दफा आ चुका है पिछले सवाल में भी आया था यहाँ पे भी है, सेम हो तो आपने उसी तरह ही आ जाता है क्योंकि ये कट हो जाता है, हमने एलसीएम ऊपर रखना होता है और जो भी नीचे हो इसको नीचे, तो देखो कटिंग करके वन आ जाता है, तो लिहाजा इस वजह से वो वन को इससे जरूर करते वही आ जाना प्लस माइनस, फिर आ गया एम स्केयर माइनस फोर एल एन ऊपर आ गया स्केयर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, अब आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना है, ठीक है। क्या आ गया माइनस एम
प्लस माइनस एम स्केयर माइनस फोर एल एन स्केयर रूट और नीचे के आ गया हमारे पास टू एन और ब्रैकेट क्लोज कर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। अच्छा अब हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना होता था। अब देखें कि कांस्टेंट हमारे पास है ही नहीं, थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो दूसरे स्टेप की तरफ आ जाए, हमें एक्स के कोएफिशिएंट के साथ वन चाहिए होना चाहिए था, वन होना चाहिए, तो यहाँ पे थ्री था। तो अब क्या करते हैं, थ्री को खत्म करते हैं, तो क्या करेंगे, थ्री पे डिवाइड करवा देंगे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे भी थ्री में डिवाइड करवा दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये इससे कट हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सेवन ओवर थ्री एक्स और ये आ गया जीरो। ठीक है, जीरो जिस पे भी डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जीरो ही आता है। अच्छा दूसरा स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा हमारा क्या स्टेप होता है कि x का जो कोफिशियंट है ना उसको हमने क्या करना होता है कि लैदा लिख के वन ओवर टू से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये देखें तो कट नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को नीचे से, या सेवन और सिक्स को दोनों तरफ स्केयर के साथ ऐड कर दें, सेवन ओवर थ्री एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा, सेवन ओवर सिक्स का होल स्केयर और यहाँ पे भी आ गया जीरो प्लस सेवन ओवर सिक्स का होल स्केयर। ठीक है, बहुत सिंपल है, उसी तरह पहले का स्केयर प्लस सेवन ओवर थ्री अगर देखें, और पहले का स्केयर लिखने के बाद हमने क्या करना होता है, वही आपको पता है फॉर्मूला यूज होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे ए स्केयर लिख लिया समझो तो टू आ गया, ए हमारे पास एक्स और बी हमारे पास सेवन ओवर सिक्स। अच्छा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर यही आना चाहिए, ये भी आप चेक करना है, तो ये आ गया सेवन ओवर सिक्स का होल स्केयर आ गया, और यहाँ पे सेवन जीरो जीरो ही आ गया, तो ये आता है 49। सेवन के स्केयर का मतलब यह है कि सेवन को टू टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि हमने सेवन को टू से मल्टीप्लाई करके 14 लिख देना, ये मिस्टेक नहीं करनी। सेवन की स्केयर का मतलब यह है कि सेवन को दो दफा लिख के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो ये 49। इसी तरह नीचे सिक्स को करेंगे तो ये 36 आ जाए, यहाँ पे स्केयर करें तो क्या आ जाए, वो बन जाता है ये ए है और ये बी है, उसी तरह ये लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 49 ओवर 36। अच्छा नेक्स्ट है, यहाँ पे आगे करते हैं, यहाँ पे अब आप स्केयर रूट ले लो दोनों तरफ, x प्लस सेवन ओवर सिक्स का होल स्केयर है, अब आपने लिख भी लेना साउथ टेकिंग स्केयर रूट बहुत सारे। ठीक है, मैंने आगे लिख रहा था तो अब आपने खुद ही लिख लेना है हर सवाल यहाँ पे लेते वक्त। ठीक है, यहाँ पे आ गया x प्लस सेवन ओवर सिक्स आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस और 49 का स्केयर रूट क्या होता है 7 और 36 का स्केयर रूट क्या होता है 6। ठीक है, और x यहाँ पे रह गया और ये उस तरफ जाके नेगेटिव हो गया, सेवन ओवर सिक्स प्लस माइनस सेवन ओवर सिक्स। ठीक है, अब आपने एलसीएम लेना तो वो क्या आ जाएगा, माइनस सेवन प्लस माइनस सेवन। ठीक है, उसी तरह बिल्कुल सेम है, वही सवाल है, लेकिन अब आ गया यहाँ पे कट स्केयर रूट नहीं आया तो इसका मतलब फर्दर सॉल्व होगा, तो आप क्या करें इसको लैदा लैदा सॉल्व कर लें, एक एक तरफ ये कर लें कि एक्स माइनस ये है प्लस, एक तरफ यहाँ पे प्लस और सिक्स और दरमियान में लाइन लगा के आगे फिर एक और कर लें कि माइनस सेवन ओवर सिक्स, एक दफा दरमियान में प्लस रखना है और एक दफा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाता है वैसे काट के जीरो बन जाता है जीरो ओवर सिक्स, तो एक्स का जो आपके आ गया हमारे पास जीरो। ठीक है, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जीरो आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स का आ गया माइनस 14 ओवर सिक्स और ये कटिंग होती है टू सेवन जा 14 और टू थ्री जा, तो ये आ गया एक्स का जवाब माइनस सेवन ओवर थ्री। अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट जीरो और क्या आ गया हमारे पास माइनस सेवन ओवर थ्री। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, ये भी उसी तरह ही है, यहाँ पर देखें लेकिन पिछले सवाल में तो नहीं था आया, लेकिन यहाँ पे देखें आप आ गया थर्ड टर्म यानी कांस्टेंट, तो उसी तरह हमारे पास तीन ही स्टेप है, बस जेन में रख लें हर सवाल के लिए, बार बार एक ही बात, ये माइनस है इस तरफ आके प्लस हो गया। ठीक है, फिर आपने पहला स्टेप क्लियर है,
क्योंकि कॉन्स्टेंट को हमने राइट साइड पे लेके था। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि एक्स स्केयर का जो कोफिशियंट है वन होना चाहिए, तो ये देखेंगे ऑलरेडी वन है, हमारा दूसरा स्टेप भी सॉल्व हो गया, ये ज्यादा आसान हो गया। अब तीसरा हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्स का कोफिशियंट होता है ना, जो एक्स के साथ होता है ना, ठीक है, आपने सिर्फ साइन को ना देखे, आप सिर्फ इसको देख लें वो भी ठीक है, आपने इसको देखना है जो भी इसके साथ होगा आपने मल्टीप्लाई करवा देना वन ओवर टू से, तो कटिंग करा के ये वन और है, तो इसका मतलब ये है कि वन को दोनों तरफ करेंगे स्केयर के साथ है, यहाँ पे आ गया माइनस टू एक्स प्लस वन स्केयर, वन का स्केयर आ गया प्लस 195 प्लस वन का स्केयर आ गया, यहाँ पे देखे उसी तरह एक्स पहले का स्केयर माइनस टू इंटू फर्स्ट एक्स और सेकंड क्या है वन, और ये इसको सॉल्व करेंगे फिर भी यही आएगा, और प्लस वन का स्केयर ये आ गया 195 जमा वन, और ये बन गया एक्स, और जो यहाँ पर साइन हो वही टू के साथ, ठीक है, माइनस वन का होल स्केयर यानी ए माइनस बी का होल स्केयर, और ये आ गया 196। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना आपने, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, ये लिख लेना आपने, ठीक है, 196 आ गया, और दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं, यहाँ पे भी लिया उस तरफ भी ले लिया, यहाँ पे x माइनस वन, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस, और ये 196 का स्केयर रूट होता है 14, ठीक है, और यहाँ पे ये एक्स, और इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस वन प्लस माइनस 14। अब आपने क्या करना है, एक दफा प्लस के साथ लिख लेना है, एक दफा माइनस के साथ लिख लेना है, क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें एक्स इज इक्वल टू वन प्लस 14, ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या आ गया हमारे पास वन माइनस एक्स भी लिखना है साथ, ठीक है, x इज इक्वल टू वन माइनस 14, तो यहाँ पे x का जो आपके आ गया 1 और 14 जमा करें तो 15, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 14 में समान निकालें तो क्या आ गया 13, साइन बड़ी रकम का 1 बड़ा है 14, 14 बड़ा है, इसके साथ साइन माइनस है तो माइनस आ गया, सॉल्यूशन सेट लिखना है, अब हमने सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 15 और माइनस 13, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरह ही सॉल्व करना है, लेकिन ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, इसको इस तरफ ले आए या तो ये है कि दोनों को उस तरफ ले जाए, किसी तरीके से भी सॉल्व हो जाए, चलो हम क्या करते हैं दोनों को उस तरफ ले जाते हैं, f माइनस है तो इस तरफ आकर पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो आप लिख लें, और ये प्लस है इस तरफ आके माइनस हो गया 15 ओवर 2। अब इसको तरतीब से लिख लें ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल आ जाए, 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 0, देखो बिल्कुल उसी तरह का सिंपल सवाल हो गया, हम उसी तरह करेंगे, क्या करना है हमने कांस्टेंट को क्या करना है दूसरी तरफ लेके जाना है, ताकि पहले भी यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन मैंने इस वजह से स्टैंडर्ड फॉर्म में करके कर रहा हूँ ताकि आपकी तरतीब वही रहे, स्टेप हमारे पास तीन ही रहे, आपको पता होना चाहिए 7 ओवर 2x कांस्टेंट को हम राइट साइड पे ले जाते थे, ये आ गया पहला स्टेप क्लियर, दूसरा स्टेप भी ये देखें इस सवाल में हमारा दूसरा स्टेप भी क्लियर, दूसरा स्टेप क्या था कि x का जो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए था 1, तो ये देखें ऑलरेडी 1 है, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, तीसरा स्टेप क्या था कि x स्क्वायर x का जो कोएफिशिएंट होगा हमने उसको 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 7 over 2 multiply 1 over 2 इसको करवाएंगे तो ये आता 7 over 4, अब दोनों तरह कर लें स्केयर के साथ एडिंग, 7 over 2 x यहाँ पे भी आ गया 7 over 4 का होल स्केयर, और यहाँ पे भी आ गया 15 over 2 plus 7 over 4 का होल स्केयर, ठीक है, अब क्या यहाँ पे उसी तरह स्केयर को कंप्लीट करो, a का स्केयर प्लस 2 into first x आ गया, सेकंड क्या है 7 over 4 74 लिखा, ये आपने सॉल्व करके चेक करना है क्या वही आता है, ये भी आपके पास ही एंट्री है, समझ लीजिए दिन में रखना है, और प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर आ गया, और ये सॉल्व करने के बाद यही आंसर आना चाहिए, अच्छा 15 ओवर 2 आ गया, ठीक है 15 ओवर 2 है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है,
अब क्या करना है हमने, ये तो हमारे पास बन गया ना x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला बन गया x प्लस, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है एलसीएम 16, ठीक है 16 आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि मैं आगे भी बता चुका हूँ कि 16 को आपने ऊपर लिख लेना है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 है तो 2 पे डिवाइड करवाना है, तो ये कटिंग करके 8 जो जवाब आएगा आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, यहाँ पे आप कर दें, ठीक है 8 5 आर 14, 0 लगा 4 ऊपर चला गया, 8 1 आर 8 और ये बनता है 120, यहाँ पे आ गया 120 प्लस 16 और 16 डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे 16 हो तो कट करवा के क्या आ जाता है 1, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनता है 49 ही आएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं स्टेप, अच्छा यहाँ पे आ गया x प्लस 7 और 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे इसको दोनों को जमा करने से क्या आता है 120 को जमा करें अगर हम 149 में तो ये बन जाता है 169 और नीचे क्या आ जाता है 16, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, यहाँ पे भी टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत सारे और यहाँ पे भी, यहाँ पे आ गया x प्लस 7 ओवर 4 क्योंकि ये इससे कट हो गया और इज इक्वल टू प्लस माइनस 169, किसका स्केयर रूट होता है याद रखना है, ये आपने जवानी आपको आने चाहिए 20 तक, कम से कम 20 स्केयर टेबल, यानी फॉर एग्जांपल 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 7 5 5 जा 25, ये सारे तकरीबन आपको जवानी आने चाहिए कम से कम 20 तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 13 और 16 का जो स्केयर रूट होता है ये 4 होता है, तो x है ये प्लस है दूसरे तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और ये आ गया प्लस माइनस 13 ओवर 4, और आपको ये कितनी दफा नीचे सेम आ गया, जब नीचे सेम हो तो ऊपर से दे दे आप वो ही लिख दे, 13 आ गया, ठीक है x। अब हमने क्या करना है कि एक दफा इसको प्लस कर लेना एक दफा माइनस करना है, तो आंसर आ चुका है हमारा x ये क्या है माइनस 7, दरमियान में सारी चेंज करना है 13 ओवर 4 और दूसरी तरफ लाइन लगा के कर लेते हैं माइनस 7 और माइनस प्लस किया था आगे तो आप माइनस लगाएंगे 13 ओवर 4, अच्छा इसको सॉल्व करें तो क्या आता है माइनस प्लस माइनस 13 में से 7 निकाले तो 6 आ गया, साइन बड़ी रकम का 7 बड़ा है 13 बड़ा इसके साथ प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ऑलरेडी साथ ही होता है, नीचे था 4 कटिंग करके हमारे पास आ गया 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 तो आंसर आ गया 3 ओवर 2, ठीक है x का जो आपके आ गया 3 ओवर 2 और यहाँ पे देखें क्या आता है माइनस माइनस प्लस 7 और 13 20 तो साइन बड़ी रकम का, तो यहाँ पे माइनस आ गया माइनस 20 और 4 4 वन जा 4 4 5 जा 20 तो x का जो आप आ गया माइनस 5, सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे देखें 3 ओवर 2 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया माइनस 5।